अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्रिप्टोकरेंसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के क्या ताल्लुक रखती हैं, इनका एट द एंड गोल क्या होता है, और ये कॉन्सेप्ट एज अ होल मैक्रो लेवल कैसे एक दूसरे से एंगेजमेंट करते हैं। इनकी कुछ कॉमन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ओवर द लॉन्ग पीरियड हम जब ये कोर्स कम्प्लीट कर रहे होंगे तब हमें इनकी एक कॉन्सेप्ट की थोड़ा बेसिक नो हाउ हो, हमसे सही तरीके से समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो करना चाहें वो कर सकें। बेसिकली दो किस्म की मार्केट्स होती हैं, बेयर मार्केट एंड बुल मार्केट। बेयर मार्केट और बुल मार्केट को आप इनके अटैक टाइप से भी समझ सकते हैं। बेयर का अटैक यूजली अप से डाउन होता है और बुल का अटैक लो से अप होता है। तो इस मार्केट का भी ट्रेंड इसी तरह का होता है। बेयर मार्केट के अंदर आपका जो ट्रेंड होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जैसा बेयर का अटैक ऊपर से नीचे आता है उस मार्केट भी नीचे की तरफ जा रही होती है। इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कंटेंट जो होता है और जो प्रोडक्ट एसेट्स होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड बुल मार्केट में वो जैसे हम बुल अपने सींग से उठा के ऊपर उठा रहा होता है, तो इसमें ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, खरीदने वाले जो होते हैं कम ज़्यादा होते हैं और जो एसेट्स होता है वो कम होता है, तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस तरह आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दोनों किस्म की मार्केट्स के अंदर आपने आगे डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट करने हैं कि बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, आपने इसके साथ कैसे इंगेज करना है, क्या काम करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्या काम करेंगे तो आपको नुकसान में जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक बेयर बुल मार्केट की उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, इसको एक एक करके हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे।